राम दिन में पुनः मेरे अगर सभी सम्मान्य उपस्थित जनप्रतिनिधि एवं अतिथिगण विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल के सभी आदरणीय सदस्यगण सम्मानित किसान भाइयों और बहनों विभिन्न संस्थानों इंडस्ट्रीज और उपक्रमों के अधिकारी तथा कर्मचारीगण विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी शिक्षक वैज्ञानिक शिक्षणोत्तर कर्मचारीगण प्रिय छात्र एवं छात्राओं प्रेस एंड मीडिया के सहकर्मियों भाइयों और बहनों एवं उपस्थित सज्जनों, आज भारत की आजादी की क्रांति धरा पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मतिथि पर स्थापित हुआ तथा भारत रत्न लोक सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर स्थापित हुआ इस विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय के भवन एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण महाविद्यालय के लोकार्पण एवं अन्य परियोजनाओं के शुभारंभ तथा कृषि प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर मैं अपनी तथा विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को सादर नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अत्यंत व्यस्त समय में से कुछ समय हमें प्रदान किया है, इस हम इनके बहुत ही आभारी हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री सत्येंद्र देव जी ने भी जो हमें सभा में उपस्थित हमें खिताब दिया है, हम उनका भी आभार प्रकट करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि माननीय कृषि मंत्री जी जो हमारे लिए हमेशा मार्गदर्शक तथा संरक्षक हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। मंच पर आसीन अन्य सभी का भी हम अभिनंदन करते हैं। महोदय, इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में विभाजन के समय हुई थी। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 6 विश्वविद्यालय महाविद्यालय है। इसी के साथ जबकि समय कम है इसलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी उपस्थित जो सज्जन जो डायस पर हैं, जो जनप्रतिनिधिगण हैं, उनका सभी का मैं आदर सहित अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं कि उन्होंने हमें इस विश्वविद्यालय में उपस्थित होकर प्रकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करती हूँ माननीय राज्य मंत्री पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन भारत सरकार डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी से कि वह मंच के आगे सभा को संबोधित करें। एक बार जोर दर्शाने के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर संजीव कुमार बालियान। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सुखदेव सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, केंद्र सरकार के मंत्री बड़े भाई जनरल वीके सिंह जी उपस्थित, मेरे साथी सांसदगण, विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित, किसान भाई, मुजफ्फर लोकसभा के सरगना विधानसभा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में पधारने पर माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस विश्वविद्यालय की स्थापना जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रदेश में माननीय राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे, उस समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में ही की गई। बहुत साल तक यह विश्वविद्यालय शायद उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया जहां तक उम्मीद थी, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद और आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी के कृषि मंत्री बनने के बाद यहां कुछ कॉलेजों का जो बिल्डिंग बन चुकी थी लेकिन कक्षाएं शुरू हुई आपके आशीर्वाद से। 2017 से आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण किसान इसमें आपने फैसले लिए जो मुझे लगता है हो सकता है कुछ लोगों के नजरों में छोटे हो लेकिन बहुत बड़े थे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में डार्क जोन की समस्या थी, नए बिजली के कनेक्शन नहीं थे, बड़ा लंबा संघर्ष रहा, आपके द्वारा डार्क जोन से रोक हटाई गई, बिजली के कनेक्शन अलाउ किए गए, किसान अपने खेत से मिट्टी नहीं उठा सकता था, अगर एक बीघे ने खेत में मिट्टी उठाई तो 10 लाख रुपए का नोटिस किसान के लिए आता था, आपने उसे भी समाप्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ने का क्षेत्र, यहां रोजी रोटी और
देश में वो जन आंदोलन हो, लेकिन हमारे लिए तो गन्ना ही सबसे महत्वपूर्ण। मेरा विनम्रता पूर्वक एक निवेदन आपसे है कि 2 साल से गन्ने के भाव नहीं बढ़े, मुझे पता है इंटरनेशनल मार्केट में चीनी के कम है, लेकिन सीजन चले 2 महीने हो गए। मेरा आपसे अनुरोध है पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी किसानों की तरफ से कि इस बार कुछ कृपा हो जाए, थोड़ा गन्ने का भाव बढ़ जाए, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती रहती है, किसान को भी कहीं ना कहीं हुए हैं। आप विलंब है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता से एक निवेदन जरूर करूंगा कि जितने काम मोदी जी के बनने के बाद केंद्र सरकार के द्वारा और योगी जी के बनने के बाद किसान इतने किए गए हैं, इतने काम किसी पहली सरकार ने नहीं किए। इन बिलों के बारे में भी एक बात कहूं, आज जिन बिलों का जो लोग विरोध कर रहे हैं, जब ये बिल आए वही लोग इनका स्वागत करने के लिए तत्पर थे। ये बिल किसान हित में है, हो सकता है बिचौलियों के हित में ना हो, लेकिन पूरी तरह से किसान हित में बिल, तो कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता को सरकार की इस कानून के साथ कदम के साथ आना चाहिए। एक बार फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करती हूं माननीय मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान उत्तर प्रदेश श्री सूर्य प्रताप शाही जी से कि वह सभा का संबोधन करने की कृपा करें। भारत माता की जोरदार गूंज के साथ कि हमारी आवाज उत्तर प्रदेश ही नहीं दूसरे राज्यों तक पहुंचे, मैं किसान भाइयों और बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि ऐसी गूंज मचनी चाहिए कि पूरे देश में आपकी आवाज जाए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी मोदी जी, मोदी जी मोदी जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में आयोजित कृषि विश्वविद्यालय के 100 करोड़ की परियोजनाओं को शिलान्यास और लोकार्पण के साथ इस कार्यक्रम में पधारे उत्तर प्रदेश के कर्मठ और तपस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री और सेना के रिटायर्ड जनरल आदरणीय श्रीमान जनरल वीके सिंह साहब, जिनकी लोकसभा के भीतर यह हमारा कृषि विश्वविद्यालय पड़ता है, और भारत सरकार के पशुपालन मंत्री आदरणीय डॉक्टर संजीव वाडियान जी, मेरे साथ कृषि विभाग में सहयोगी आदरणीय श्री ढाकल सिंह राजपूत जी, प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी, मेरठ के लोकप्रिय सांसद मेरे मित्र श्रीमान राजेंद्र अग्रवाल जी, सभी सम्मानित माननीय विधायकगण, हमारे कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, यहां के कुलपति डॉक्टर आर के मित्तल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी अश्विनी त्यागी जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, और आज के इस किसान सम्मेलन में उपस्थित हमारे मेहनतकश अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी सम्मानित सज्जनों, मैं अपनी तरफ से और आप सब की तरफ से उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री जो दिन रात अहर्निश जनता की सेवा में जुटे रहते हैं, ऐसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आपके परिसर में अपनी तरफ से और आपकी तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपसे अनुरोध करता हूं कि कर्तव्य धर्म के साथ आप तपस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री के साथ आए हुए अन्य अतिथिगण हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब, इन सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं।
कृषि वैज्ञानिकों का अभिनंदन करता हूं और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपनी व्यस्ततम समय में, एक बार पहले भी कार्यक्रम लगा था लेकिन कुछ कारणों से निरस्त हो गया, आज खराब मौसम के बाद भी हेलीकॉप्टर यहां पर आया, उतर नहीं सका, फिर गाजियाबाद जाकर के भाइयों आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। आप इतना मेहनत परिश्रम करते हैं वो स्वागत योग्य है, वंदन योग्य है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आज विशेष रूप से जो हमारी यहां पर पुस्तकालय बना है कृषि विश्वविद्यालय के भीतर और साथ साथ में पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी महाविद्यालय, इन दोनों का लोकार्पण आपके करकमलों के द्वारा हो रहा है और इन दोनों योजनाओं में लगभग 75 करोड़ रुपए का खर्चा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, जो आपके बीच में आज समर्पित है। सात कृषि विज्ञान केंद्र जिनका हम जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चला रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार में, बहुजन समाज पार्टी की और यूपीए के शासनकाल में ये सारे कृषि विज्ञान केंद्र उपेक्षित थे। मोदी जी की सरकार ने 20 कृषि विज्ञान केंद्र दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ विश्वविद्यालय के भीतर 7 कृषि विज्ञान केंद्र थे। 4 साल बीतने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने कृषि विज्ञान केंद्रों को चलाए जाने के लिए स्थान नहीं दिया था। किसानों के लिए आंदोलन करते हैं, कृषि शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन किसानों को तकनीकी की जानकारी कैसे हो, किसान कैसे समृद्धशाली हो सके, जिलों में मंदिर के रूप में, किसानों के लिए मंदिर के रूप में काम करने वाले कृषि विज्ञान केंद्रों को जगह नहीं दिया गया, जिसको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिया और उन 7 जगहों पर हमने कृषि विज्ञान केंद्र प्रारंभ कर दिया। पुराने 7 कृषि विज्ञान केंद्रों को लगभग 11 करोड़ रुपए देकर के उनको पुनर्जीवित करने का काम कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय परिसर के भीतर हमारे फैक्ट्री के विद्यार्थी वो जाया यहां पढ़ते थे और इम्तिहान देने के लिए जाया करते थे महाजन विश्वविद्यालय। आपके आने के बाद जो प्रयास हुए, VCCI से जो हमको मान्यता मिली, आज मेरठ में पढ़ने वाला विद्यार्थी मेरठ के भीतर ही परीक्षा देकर के और वो उत्तीर्ण होकर के बेहतर काम की ओर जा सकता है, ये सुविधा आपके आशीर्वाद से प्राप्त हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी आज और 5-6 योजनाओं का आप यहाँ पर लोकार्पण कर रहे हैं। मेरठ के स्तर के लगभग मैं समझता हूं कि 50 से ज्यादा परियोजनाओं का भी लोकार्पण आपके हाथों से द्वारा हो रहा है और इस अवसर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी कि आपके द्वारा जो प्रयास किए गए, मैं जब देख रहा था अभिलेखों को, समाजवादी पार्टी की सरकार में 7 लाख मेट्रिक टन कुल गेहूं की खरीदारी हुआ करती थी, आपने उसको 52 लाख 53 लाख मेट्रिक टन पर पहुंचाया है। जब मैं 2013 के MSP का रेट देख रहा था तो 1350 रुपए यूपीए के मनमोहन सिंह सरकार और अखिलेश यादव की सरकार में दाम मिलते थे किसानों को। आज मोदी जी और योगी जी के प्रयासों से 1925 रुपया गेहूं के दाम मिल रहे किसानों को, हमारे किसान भाइयों को 1868 रुपए के आधार पर MSP पर खरीदारी हो रही है और जो खरीदारी हम कर रहे हैं वो किसान के खातों में सीधे पैसा भेज रहे हैं। आज हलचल इसी बात के लिए है कि जो बिचौलिए काम करते थे, मोदी जी के द्वारा लाए गए जो 3 कानून के परिवर्तन हुए हैं, उन कानूनों के बदलाव से आज किसान को मंडी समिति के अलावा भी अपने सामान को बेचने की एक सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जो बिचौलिए थे वो बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। किसान अपने मन मर्जी के रेटों के आधार पर जब चाहे तब जिसको चाहे उसको बेच सकेगा और जो बीच में बिचौलिए दाम खा लिया करते थे वो सीधे किसानों के पास जाएगा। मंडी के बाहर ये किसान अपने खेत पर, अपने गांव के भीतर, अपने बाजार में बेचता है तो उसके ऊपर कोई मंडी शुल्क नहीं लगा, वो मंडी से शुल्क से मुक्त होगा और 2.5% का जो लाभ होगा किसानों को वो सीधे किसानों के खातों में पहुंचेगा। ये बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इतना कहना चाहता हूं कि वो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं जो लोग बिचौलियों के रूप में लूटा करते थे, जिन लोगों के कारण हमारा देश का किसान गरीब हुआ, जिनकी कारण से वो कर्जदार हुआ और जिनकी किसान से यूपीए सरकार के शासनकाल में 2,36,000 लोग पेड़ों पर आत्महत्या करके लटक गए। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के लोगों से और समाजवादी पार्टी और उनके साथ के सहयोगियों से कि उनके आत्महत्या का कारण क्या था, ये सरकार को बताना चाहिए। आज योगी जी की सरकार में और मोदी जी की सरकार में आत्महत्याओं का सिलसिला बंद हुआ है। आज योगी जी की सरकार में 1,00,000 करोड़ से ज्यादा गन्ने के दाम का भुगतान हुआ है। समाजवादी पार्टी की सरकार में कुल गन्ने का दाम
जो है वो 20-22 हजार करोड़ होता था, आज हम लोग 33 हजार करोड़ रुपया सालाना भुगतान कर रहे हैं और पाई पाई का भुगतान कर रहे हैं। ये सब कुछ हमारे मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हुआ है। कृषि शिक्षा के दृष्टि से लगातार जो प्रयास हो रहे हैं, आपने आपने एक बैठक में हम लोगों को एक निर्देश दिए कि यहाँ पर सुगर टेक्नोलॉजी का भी महाविद्यालय खोला जाना चाहिए। हम लोगों ने उस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया है और जल्दी ही आपके आशीर्वाद के बाद वो सुगर टेक्नोलॉजी का महाविद्यालय भी यहाँ पर चलेगा, जिससे गन्ना किसानों को नई तकनीकी के आधार पर खेती का काम करने का अवसर मिल सकेगा। मैं ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और पुनः यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। यही वो लोग हैं जिन्होंने आपको कमजोर करके छोड़ दिया। मोदी जी आपकी बहबूदी चाहते हैं, आपकी समृद्धि चाहते हैं, और इसलिए पुराना कानून यदि अच्छा था तो क्यों आत्महत्या हो रही थी। नए कानून के भीतर किसान के और कृषि के जीवन में जो बदलाव आएगा, उस बदलाव के लिए आपका आशीर्वाद मांगते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूँ कि वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ के अंतर्गत तथा मेरठ जनपद के अन्य परियोजनाओं, कुल मिलाकर 88 परियोजनाओं का रिमोट द्वारा शुभारंभ करने की कृपा करें। पंडाल में मौजूद सभी मेहमानों से मेरी निवेदन है कि प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही कुल मिलाकर 88 परियोजनाएं आज उनका शुभारंभ हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। धन्यवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करती हूं कि वह सभा को अपने आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना हुआ एक कृषि विश्वविद्यालय कि आज के केंद्रीय पुस्तकालय और अन्य किसानों के हित से जुड़ी हुई परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जनपद मेरठ की 325 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान ये मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, पशुपालन डेयरी एवं मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री कपिल देव अग्रवाल जी, श्री माखन सिंह राजपूत जी, माननीय सांसद श्री राजेंद्र अग्रवाल जी,
श्रीमती कांता करदम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सरस्वती त्यागी जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण, श्री संगीत सिंह सोम जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, श्री जितेंद्र सिंह सत्वई जी, श्री सतवीर त्यागी जी, श्री दिनेश खटीक जी, श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल जी, अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय डॉक्टर आर के मित्तल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारत के सभी हमारे अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, आप सबका मैं इस कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करते हुए कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय भवन के लोकार्पण, कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही जनपद मेरठ की 325 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी भी हमारे जनप्रतिनिधियों, माननीय सांसद, माननीय विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जितनी भी परियोजनाएं थी, उन सब का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। मैं इसके लिए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी ढेर सारी परियोजनाएं एक साथ यहां की लोकार्पित भी हो रही है, नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत माता के वे महान सपूत थे जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए और निष्ठ प्रयास करके वर्तमान भारतीय गणराज्य की स्थापना के लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और ये हम सब का सौभाग्य है कि भारत माता के कैसे सपूत जो एक सामान्य किसान परिवार से थे, लेकिन किसान के पुत्र को जब भी अवसर प्राप्त होगा वह देश के हित में कैसे कार्य करता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय हैदराबाद के निजाम और जूनागढ़ के नवाब को जो जवाब दिया था, मुझे लगता है कि यह कृषि विश्वविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के राष्ट्र गौरव को, राष्ट्र की एकता और अखंडता को दिए गए संदेश को, किए गए उनके योगदान को सदैव स्मरण करते हुए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को केंद्रीय पुस्तकालय और कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मेरठ की धरती भारत के स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा की धरती रही है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर की बिगुल फूंकने वाला मेरठ, देश के अंदर क्रांति का बिगुल बजाने वाला मेरठ, आज जब उसे स्वतंत्र भारत में अवसर प्राप्त हुआ तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से भारत की खाद्यान्न की आपूर्ति को सुनिश्चित करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का भी बहुत बड़ा बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और भाइयों बहनों, मैं इसके लिए अपने अन्नदाता किसानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत को खाद्यान्न आत्मनिर्भरता में, पश्चिम उत्तर प्रदेश हमारे किसानों का बहुत अभिनंदन योगदान है इसमें। और इसी स्मृति में हमारी सरकार ने यहां की गंग नहर के किनारे कावड़
का एक अतिरिक्त लेन बनाने का निर्णय किया। इसमें अभी हम लोगों ने 600 करोड़ रुपए से अधिक की सहमति दी है और इसे भी महान किसान नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की स्मृति को समर्पित किया है। हम जानते हैं यहां का किसान मेहनत भी करता है, भारत की एकता अखंडता के लिए जब भी आह्वान होता है तो समर्पित भाव के साथ आगे आकर के योगदान देता है और खेती किसानी के बाद जो समय बचता है वो अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए आराध्य तीर्थों के लिए और श्रावण के महीने में तो कावड़ यात्रा में यहाँ के किसानों को झूमते हुए देखकर कि मुझे भी स्वयं आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए मैं भी उस समय अपने आप को रोक नहीं पाता जब मेरे समय में लोगों ने कहा कि कावड़ यात्रा के लिए क्या करेंगे, क्योंकि पिछली सरकारों ने जो रोक लगा दिया था हमने कहा रोकेंगे नहीं, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो हेलीकॉप्टर से उसको वर्षा भी करेंगे। और भाइयों बहनों, ये जो बंद नहर की दोनों ओर हम लोग सड़क बना रहे हैं, दो दो लेन का, एक ओर का बना चुके हैं, दूसरी ओर भी बना रहे हैं, ये कावड़ यात्रियों को भी हम समर्पित कर रहे हैं, जिससे खेती किसानी के बाद जो समय मिलता है उस आस्था को मजबूती प्रदान करने का भी एक अवसर प्राप्त हो सके। और इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अब हरिद्वार की दूरी, यद्यपि मोदी जी ने दिल्ली की दूरी तो यहां की नजदीक की, फिल्म लेन का एक्सप्रेस वे मेरठ दिल्ली को जोड़ रहा है, उसके मंत्री जनरल वीके सिंह जी आज स्वयं इस मंच पर यहां पर उपस्थित हुए हैं, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा मैंने सुबह प्रयास किया यहां आने का, लेकिन हेलीकॉप्टर ऊपर से ही इतना ज्यादा धुंध था कि हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया, मुझे वापस जाना पड़ा मैं और फिर बाई रोड में आया हूं। मुश्किल से एक घंटे में गाजियाबाद से मैं मेरठ पहुंच गया और जब 12 लेन का काम आगामी कुछ महीनों के अंदर पूरा होगा तो भाइयों बहनों मेरठ से दिल्ली की दूरी मात्र 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। यहां के हमारे सांसद तो लगातार बोलते थे, राजेंद्र अग्रवाल जी, संजीव बालियान जी, हमारे जितने विधायक हैं जो यहां मंच पर बैठे हैं, संगीत सोम जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, जितेंद्र सितवाई जी, सतवीर त्यागी जी, दिनेश खटीक जी और नौजवान विधायक हमारे श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, ये लगातार कहते थे कि हमारे लिए दिल्ली के लिए मेट्रो का क्या होगा। भाइयों बहनों, 32,000 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग भारत सरकार के सहयोग से एक नया मेट्रो का विकल्प RRT के नाम से मेरठ को दिल्ली के साथ जोड़ रहे हैं और ये देश का पहला ऐसा कार्य होने जा रहा है जो इतनी बड़ी दूरी से जोड़ने की कार्य योजना बन रही है। और हम लोग इसको प्रस्ताव भेजे हैं कि यह अगर मेरठ के बाद मुजफ्फरनगर तक भी चल जाए तो एक और अच्छा काम हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये विकास के कार्य है और ये गंगा नहर भी हरिद्वार के साथ हमारे संपर्क को सीधे जोड़ रहा है। उत्तराखंड सरकार से हमने इस संबंध में वार्ता की, उत्तराखंड सरकार ने भी अपनी सहमति दी है। हम लोगों ने कहा उत्तर प्रदेश तक तो हम लोग बनाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद उत्तराखंड सरकार बनाए। उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री ने सहमति दी और मैंने यही प्रस्ताव दिया है कि अगर कावड़ यात्रियों के लिए हमें हरिद्वार तक भी बनाना पड़ेगा तो भी हम लोग बनाएंगे, उत्तराखंड सरकार का, भारत सरकार का सहयोग लेंगे। इसलिए जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों ने, यहां के नौजवानों ने, यहां की बहन बेटियों ने, माताओं ने, यहां के विद्वानों ने, यहां के हर तबके के लोगों ने देश के विकास के लिए जो अपना योगदान दिया है उस योगदान के प्रति शासन भी कृतज्ञता पूर्वक अपना कार्य कर सके। और भाइयों बहनों, केंद्र और प्रदेश सरकार इसी भाव के साथ कार्य कर रही है। ये कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बना है,
याद करिए, यह भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां पर दिया था, लेकिन इसकी प्रगति एक प्रकार से थम सी गई थी और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। मैं कृषि मंत्री साई जी को और कृषि राज्य मंत्री श्री माकम सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने कृषि और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अभियान प्रारंभ किया है। और वह अभियान, क्योंकि जब हमारे किसान को नई तकनीक मिलेगी, हमारे किसान को समय पे बीज और खाद की उपलब्धता होगी, तो वह इस धरती से केवल फसल ही नहीं, सोना पैदा करने की क्षमता रखता है। और हमारा अन्नदाता किसान जब भी उसे अवसर मिला है तब वह इसमें करके दिखाया है। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर आपने इस बात को देखा होगा, पिछले 3 वर्षों के दौरान गन्ना किसानों को 1,12,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान प्रदेश सरकार ने करवाया। चौधरी चरण सिंह जी की तरफ भूमि की चीनी मिल रमाला चीनी मिल 40 वर्षों से मांग हो रही थी कि यहां पे चीनी मिल का विस्तारीकरण होना चाहिए, चीनी मिल में नए सिरे से इसमें नई तकनीक के साथ इसे चलाया जाना चाहिए, कोई सुनने वाला नहीं था। हमारी सरकार आई, एक मुफ्त पैसा दिया और विगत वर्ष ही हम लोगों ने रमाला चीनी मिल के विस्तारीकरण के साथ साथ नए सिरे से नया प्लांट वहां पर देकर के यहां के किसानों को पूरी तरह स्वस्थ किया कि गन्ना किसानों के हितों को हर प्रकार का संरक्षण देंगे। अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि गन्ना किसान आने वाले समय में आश्वस्त हो सकता है कि उसके गन्ना मूल्य का पाई पाई का भुगतान होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि अब तो चीनी के साथ साथ फाइन चीनी सरसंगत चीनी भी बनाने की कार्रवाई प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दी है और साथ साथ चीनी की जितनी आवश्यकता देश और दुनिया को होगी उतनी चीनी उत्पादन करेंगे और शेष गन्ने से इथेनॉल बनाकर के यहां के ट्रैक्टर, यहां के ट्रक, यहां के वाहन, ये सभी को इथेनॉल से चलाने की व्यवस्था करेंगे तो हमें खाड़ी के देशों को पेट्रोल और डीजल के नाम पे पैसा नहीं देना पड़ेगा। यानी ये डीजल और पेट्रोल के नाम पे जो पैसा खाड़ी के देशों को जाता है, विदेशों को जाता है, ये पैसा भी हमारे अन्नदाता किसानों के खाते में जाएगा और इस दिशा कार्य आज प्रारंभ हो रहा है। प्रदेश के अंदर इथेनॉल के नए प्लांट लगने प्रारंभ किए। खांडसारी उद्योग में आपने देखा होगा किस प्रकार की स्थिति थी, पिछली सरकारों ने लाइसेंस देना बंद कर दिया, लेकिन सरकार आई, हम लोगों ने गन्ना मंत्री से कहा कि भाई क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा लाइसेंस फ्री कर देंगे, ऑनलाइन कर देते हैं। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है 300 से अधिक खांडसारी उद्योग को लाइसेंस देकर के यहां पर व्यापक पैमाने पर फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खांडसारी उद्योग पुनर्जीवित हो गया है, रोजगार के साथ जुड़ रहा है। कल हम लोग गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन का हम लोगों ने कल वहां उद्घाटन किया है। भाइयों बहनों, ये सब कार्य इसलिए हो रहे हैं कि हम सब विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर के चल सके। जो यहां की आपकी सोच है उस सोच के साथ हमारे सांसद, हमारे विधायक हम आपके साथ मिलकर के कार्य करेंगे और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए सरकारें आपके साथ जब खड़ी होंगी और द्रुत गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कुछ लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता, वही लोग खड़ा करना चाहते हैं, किसान को सब्सिडी का लाभ कैसे मिल जा रहा है उनको परेशानी है, किसान के खाते में पैसा कैसे जा रहा है उन्हें परेशानी इस बात को लेकर की है। भारत के अंदर इतने बड़े देश को मोदी जी कैसे सुरक्षित रख दे रहे हैं, विकास भी हो रहा है, किसानों को लाभ भी मिल रहा है, नौजवानों को भी लाभ मिल रहा है, महिलाओं को भी हर सुविधा से जोड़ा जा रहा है और दूसरा सीमाओं की सुरक्षा भी मजबूती के साथ होकर के अगर कभी पाकिस्तान आग उठा करके देखने का प्रयास करता है तो भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके उसके सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करने का काम भी करता है।
यही तो मोदी जी का कमाल है। भारत के दुश्मन तो घबरा ही रहे हैं, लेकिन भारत की प्रगति से ईर्ष्या करने वाले, विदेशी जूठन से पलने वाले लोग भी अब खड़यंत्र करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। और भाइयों बहनों, उन्हीं लोगों को यही परेशानी है। याद करिए, कभी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे, प्रधानमंत्री जब थे तब उन्होंने इस बात पे चिंता व्यक्त की थी कि दिल्ली से 100 रुपया आता है, लेकिन एक किसान और एक मजदूर तक पहुंचते पहुंचते वह केवल 10 रुपये रह जाता है। ये 90 रुपया कौन चट कर जाता है? ये वही चट कर जाते हैं जो आज किसानों की प्रगति और देश की प्रगति पर हो हल्ला करके, देश के अंदर गुमराह करके, अव्यवस्था और अराजकता का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी ने तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य जो देश को कर दिया, उन्हें परेशानी हो रही है। उन्हें परेशानी इस बात को हो रही है, उनकी परेशानी तब भी सामने जा रही थी जब कश्मीर में धारा 370 समाप्त कर दी गई थी, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर की यह समस्या का समाधान हो, क्योंकि कश्मीर की समस्या उनके चंदा उगाही का एक माध्यम था। वे चाहते ही नहीं थे कि राम जन्मभूमि की समस्या का समाधान हो, और इसलिए कुछ न कुछ ऐसा व्यवधान पैदा खड़ा करते थे कि कश्मीर में अलगाववाद पनपता रहे, अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवाद का समाधान न होकर के एक तरफ हिंदू वास्ता पर कुठाराघात करता रह करते हैं, और दूसरी तरफ एक वर्ग विशेष को उकसा उकसा करके उन्हें गलत दिशा में मोड़ देने का कार्य करते थे, और इनके चंदा उगाही का माध्यम बनता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने गांव के विकास के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए बिना भेदभाव की योजनाएं दी, विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य किया। और आगे बढ़ाने के साथ ही जब देश की ज्वलंत समस्याओं के लिए भी उन्होंने समाधान का रास्ता निकालना प्रारंभ किया, तो पहले से आशंका थी कि इन समस्याओं के समाधान से जिनके विदेशी चंदों के अब सारे माध्यम बंद होंगे, वे कहीं ना कहीं खड्यंत्र करेंगे। और भाइयों बहनों, ये खड्यंत्र आप इसमें देख सकते हैं। आज वही लोग फिर से उसी भाव के साथ देखने, क्योंकि उन्हें परेशानी है कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान कैसे हो गया। उन्होंने तो वहां बैरियर लगा दिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर शेष भारत का कोई व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता। आज तो मेरठ का व्यक्ति भी, मेरठ का नौजवान भी, मेरठ का किसान भी अगर चाहेगा तो श्रीनगर में अपने लिए कोठी खरीद सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मोदी जी ने अधिकार आपको दे दिया है, कांग्रेस ने इस अधिकार से आपको वंचित किया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि, अयोध्या जाने से लोग परहेज करते थे। जब मैं मुख्यमंत्री बना, मैं अयोध्या गया तो मुझे पत्रकार को तो यही पूछते थे, आप कैसे आ गए? मैंने कहा भाई, अयोध्या राम जन्मभूमि है, काय कोर्ट ने फैसला तो नहीं किया है। हमने कहा वह भी हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हैं। और 5 अगस्त को तो मोदी जी ने मंदिर के निर्माण का भी शिलान्यास करके, भव्य राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करने का कार्य भी कर दिया है। 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ। ये परेशानी है लोगों को, जो वामपंथी है, जो भारत की प्रगति नहीं चाहते हैं, गरीब के चेहरे पर खुशहाली नहीं चाहते, किसान की समृद्धि नहीं चाहते, महिलाओं को विकास की मुख्य धारा के साथ नहीं जोड़ने देना चाहते, वे लोग कुछ ना कुछ खड़यंत्र करते रहते हैं। और आज वही लोग खड़यंत्र करने का प्रयास किस रूप में कर रहे हैं? कृषि संबंधी सुधार के कानून पर आपने देखा होगा कितना हो हल्ला है। मोदी जी ने यही तो कहा
कि हम चाहते हैं कि भारत का किसान, अगर मेरठ का किसान चाहे, अगर उसको कोई काम 100 रुपया मेरठ में मिलना हो, चाहता कि नहीं मेरठ में नहीं, मुझे गाजियाबाद में 200 मिलना है, मैं मेरठ में अपनी फसल को बेचूंगा, तो उसकी फसल पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसको पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और ये अधिकार अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक किसान होगा, न मंडी समिति होगी, न सरकार होगा, न कोई बिचौलिया होगा, यह अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको दिया है। और कुछ लोगों को यही परेशानी है कि किसान को यह अधिकार क्यों मिल गया, किसान इस प्रकार के कार्यों के साथ कैसे जुड़ सकता है, किसान अन्नदाता है तो वह अपनी फसल और अपनी उपज का मालिक भी है, वह तय करेगा उसे अपनी फसल को कहां बेचना है, उस पर कोई टैक्स न मंडी के अंदर न मंडी के बाहर कहीं नहीं लगना चाहिए। और यही प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि एफपीओ का गठन करेंगे लेकिन खेत का मालिक किसान ही होगा और मुनाफा में बराबर का हकदार भी किसान ही होगा, किसान को मुनाफे से कोई वंचित नहीं कर सकता है, उसकी आमदनी को कई गुना जब हम बढ़ाएंगे उसके चेहरे पर खुशहाली आएगी, जब उसकी समृद्धि आएगी और ये चेहरे पर खुशहाली या उसकी समृद्धि भारत की समृद्धि का आधार बनेगा। याद करिए 2014 में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी होनी चाहिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, सिंचाई की योजना को तकनीक के साथ जोड़ करके वन क्रॉप मोर क्रॉप के साथ उसे सब्सिडी के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो, या फिर समय पे बीज और खाद की उपलब्धता या कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से नई तकनीक उसे उपलब्ध कराने का कार्यक्रम हो, ये सभी तो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। विपक्ष को तो तब भी परेशानी थी जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, उनको परेशानी इस बात को लेकर के किसान को यह लाभ कैसे मिल जा रहा है, तब भी हो हल्ला करते थे, तमाम प्रकार की तब भी ये बातें करते थे कि किसान को यह लाभ नहीं मिलना चाहिए। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मोदी जी ने लागू की और उत्तर प्रदेश से ही लागू किया, और उस समय जब इसे लागू किया गया तब भी कांग्रेस के लोग कहते थे चुनावी सगुफा है, लेकिन ये पैसा पिछले 2.5 वर्षों से लगातार किसान के खाते में जा रहा है। लोग कहते थे कोरोना कालखंड में ये सब रुक जाएगा, मोदी जी ने कहा कि मंत्रियों का वेतन रुकेगा, विधायक सांसद का वेतन रुकेगा, लेकिन किसान की किसान सम्मान निधि नहीं रुकेगी। ये है काम, ये जो मंच पर बैठे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी उनकी प्रेरणा के केंद्र बिंदु हैं, उनके लिए भारत की 135 करोड़ की आबादी ही अपना परिवार है और भारत की 135 करोड़ आबादी के लिए, भारत की 135 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाना, उनके जीवन में समृद्धि लाना, इसी कार्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। और मंच पर बैठा हुआ एक एक जनप्रतिनिधि जब अपनी पूरी का पूरा वेतन, अपनी पूरी की पूरी निधि कोरोना के उपचार के लिए, कोरोना जैसी महामारी के लिए लड़ने के लिए सरकार को समर्पित करता है, तो उस समय एक शर्त रखता है कि किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलनी चाहिए। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में हर एक किसान के खाते में पैसा गया, यह है कार्य। प्रदेश के अंदर लगातार ये कार्यक्रम में ध्यान आगे बढ़ रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर हमारे पास 6 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 4 राज्य सरकार के, 1 निजी क्षेत्र का और 1 केंद्रीय विश्वविद्यालय। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कुछ माह पहले झांसी में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय का लोकार्पण किया, कृषि संबंधी उपकरण वितरण किए जा रहे थे। किसान के लिए भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ किसान तक कैसे पहुंचे, यह उसी का हिस्सा है। और इसीलिए आज मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं
कि भाइयों बहनों, जिन्हें किसान की समृद्धि और किसान की प्रगति से आपत्ति है, वही लोग गुमराह करने के लिए नए नए स्वरूप छोड़ रहे हैं। और अब तो उन्होंने एक नई शर्त भी जोड़ दी है। नई शर्त क्या जोड़ दी है? जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारेबाजी करते थे, आज उनके द्वारा कहा जा रहा है कि उनको जब पुलिस ने FIR दर्ज करके जेल के अंदर बंद किया, तो कहा जा रहा है कि उनको पहले छोड़ो। यानी जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, भारत की एक बार अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आदि हैं, जगह जगह दंगा भड़काने में जिन लोगों की षड्यंत्र सामने आए हैं, आज उनकी पैरवी हो रही है। किसानों की कंधों में बंदूक रख करके भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी जा रही है। किसानों के कंधों पर, किसान भाइयों के कंधे पर बंदूक रख करके देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया जा रहा है। ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसीलिए भाइयों बहनों, भारत का अन्नदाता किसान सम और विपन्न, सम और विषम दोनों परिस्थितियों में सदैव भारत की एकता और अखंडता के साथ खड़ा रहा है। उसके लिए भारत माता की रक्षा करना, भारत माता के लिए सब कुछ समर्पित करना उसके लिए यही सर्वोच्च है। और वह निरंतर इसके लिए कार्य किया है। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा, हमें देश के खिलाफ होने वाले किसी भी षड्यंत्र का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार होना होगा। लेकिन साथ साथ लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, हमारी कोई बात होगी हम प्रशासन के साथ, शासन के साथ संवाद बनाकर के उसका समाधान का रास्ता भी निकालेंगे। समाधान संवाद से होगा, संघर्ष से नहीं। और समाधान के इस रास्ते के लिए ही किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। और भाइयों बहनों, मुझे आज बहुत प्रसन्नता है, एक अच्छी दिशा में कृषि और कृषि शिक्षा को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ ने केंद्रीय पुस्तकालय भवन के साथ साथ कृषि संबंधी तमाम अन्य परियोजनाओं को यहां पर लोकार्पित किया। मुझे बताया गया कि यहां पे कृषि विज्ञान केंद्र नए जोड़े गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विश्वविद्यालयों का बेहतर समन्वय हो, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के साथ जुड़े और हर कृषि विज्ञान केंद्र एक एक किसान उत्पादक संगठन स्थापित करके किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। इसके लिए अभी से कार्य करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1,00,000 करोड़ रुपए का एक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी गठन किया है। आने वाले समय में 10,000 कृषि उत्पादन संगठन, कृषि किसान उत्पादक संगठन गठित होने हैं। और मैं आह्वान करूंगा आप सबका, ये जो FPO गठित होने हैं, ये FPO बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में। और मैं आपका आह्वान करूंगा, हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं आने दी जाएगी, कोई कोताही नहीं। इसके लिए तो आपके सांसद विधायक बराबर आकर के मुझसे लड़ते रहते हैं, मकरों में आकर के लगातार आते हैं। लेकिन साथ साथ यहां की बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ भी किसी को खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और हमने पुलिस प्रशासन को साफ कहा है, हमारा यहां का किसान भाई जब मिलता है तो वह संबोधन में राम राम ही बोलता है, तो राम शब्द का प्रयोग 2 बार जरूर होना चाहिए। जब हम किसान भाइयों से मिलें तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। और जब सुरक्षा के साथ सेंध लगाने वाले कोई भी ऐसा दुराचारी अपराधी बहन बेटियों की सुरक्षा के साथ सेंध लगे तो उसकी राम नाम सत्य है कि यात्रा भी निकालनी चाहिए। ये कार्य हम सुनिश्चित करें, कहीं भी किसी को
किसी भी किसान के साथ, किसी नौजवान के साथ, किसी बहन बेटी की सुरक्षा के साथ, किसी व्यापारी की सुरक्षा के साथ और किसी भी निरपराध नागरिक की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने की छूट कतई नहीं दी जानी चाहिए। और यह अभियान पूरी मजबूती के साथ हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करते हुए आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर यहां पर कृषि संबंधी केंद्र और प्रदेश सरकार के अनेक योजनाओं का लाभ किसान बंधुओं को मिल रहा है। एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी यहां पर लगी है, आपने देखा होगा, इस प्रदर्शनी को आप जरूर देखेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार से की कृषि संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ किसानों को कैसे दिया जा सकता है, इसके साथ आप जुड़ेंगे। एफपीओ के गठन की प्रक्रिया को हर विकास खंड के अंदर अगर बना सके, एक एक दो दो बनाने की प्रक्रिया युद्ध स्तर पर आप आगे बढ़ाएंगे और बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। विकास भी होगा, सुरक्षा भी देंगे और किसानों के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा आपको कहीं हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो हम लोग आए हैं और यही हमारे लिए अभिष्ट होगा। जब अन्नदाता किसानों के चेहरे पर खुशहाली होगी, जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने निरंतर प्रयास किया है, तो भाइयों बहनों ये देश के चेहरे की खुशहाली होगी, देश की समृद्धि का आधार बनेगा। उसी समृद्धि का आधार बनाने के लिए आज मैं एक बार फिर से जो विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं यहां पर लोकार्पित की जा रही हैं, इसमें विकास की योजनाएं भी हैं, पुलिस विभाग से जुड़ी भी हैं, सड़क की भी हैं, कृषि संबंधी भी हैं और ढेर सारी अन्य परियोजनाएं जो भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने दी है, उन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए भी और मेरठ की जनता को उन सभी योजनाओं को समर्पित करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं अपने सभी माननीय सांसद विधायकों को और यहां की जनता जनार्दन को इसके लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। मैं निवेदन करती हूं पंडाल में मौजूद सभी लोगों से बहुत जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। जितना पूरी जनता जोरदार तालियों के साथ शुक्रिया।